जब संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र बनाया तो उस लोकतंत्र का क्या ढांचा बना? संविधान ने यह ढांचा बनाया कि देश की जनता या दिल्ली की जनता या किसी भी राज्य की जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, उनको विधानसभा भेजेगी, वो विधानसभा अपने में से कुछ लोगों को मंत्री बना के कैबिनेट में भेजेंगे जो फैसले लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और अफसरों के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे। इसे कहते हैं ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अफसरों की अकाउंटेबिलिटी, अफसरों की जवाबदेही मंत्रियों को है, मंत्रियों की जवाबदेही विधानसभा को है, विधानसभा के सदस्यों को है, और विधानसभा के सदस्यों की, विधायकों की जवाबदेही दिल्ली की जनता को। लेकिन जब अफसर चुनी हुई सरकार के मंत्री का आदेश पालने मानने से मना कर देते हैं तो लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाती है। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत स्पष्ट आदेश दिया था, और मैं उसका पैरा 106 और 107 आपको पढ़ के सुना रही। सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की 11 मई की यूनानिमस ऑर्डर में उन्होंने कहा, सिविल सर्विस ऑफिसर्स दस आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर होम दे फंक्शन। मिनिस्टर्स आर इन टर्न अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और एज द केस मे बी द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अंडर द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिविल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड दैट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to ministers. Ministers are accountable to the parliament or legislature. And the parliament or legislature is accountable to the electorate. और फिर उससे भी ज्यादा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी पैरा 107 में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, an unaccountable civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy may act in ways that disregard the will of the people. Aur yahi aaj Delhi mein ho raha hai, जब चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये तो शुरुआत है। कल हो सकता है कि शिक्षा मंत्री होने के नाते दिल्ली की जनता में मुझे बोले कि हमें इस इलाके में नया स्कूल चाहिए, मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश दूं कि नया स्कूल बनाना है, और एजुकेशन सेक्रेटरी मुड़ के इस तरह की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कह सकती है, कहती है कि हम फ्री दवाई देंगे, हम फ्री टेस्ट कराएंगे। हो सकता है कि हेल्थ सेक्रेटरी इसी तरह की चिट्ठी लिख के दे दे कि हम फ्री दवाइयां नहीं देंगे, हम फ्री टेस्ट कराने का आदेश नहीं मानेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं 200 यूनिट। हो सकता है कि पावर सेक्रेटरी भी इसी तरह की चिट्ठी भेज दे और कहे कि हम चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे 24 घंटे बिजली, हम नहीं देंगे फ्री बिजली। अगर अफसर इस तरह की चिट्ठियां लिखकर चुनी हुई सरकार के फैसले मानने से मना करेंगे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस देश में अगर किसी चुनी हुई सरकार के फैसले पर, किसी भी चुनी हुई सरकार के काम पर अगर निर्णय लेने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है, दिल्ली की जनता के पास है, जो 5 साल बाद तय करती है कि हमें इस सरकार को रखना है या निकाल कर बाहर फेंकना है। ये अधिकार ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है, ये अधिकार एक अनइलेक्टेड पावर के पास नहीं। जो मैंने 16 अगस्त को आदेश भेजा था, यह आदेश नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी को लेकर था। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह फैसला किया था कि
कि ये मानते हुए भी कि ये नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमने इसके फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अभी देश का कानून है, इसका सम्मान करते हुए और दिल्ली के जनता के कामों के हित में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकार, अलग अलग विभागों के बीच में और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाएंगे। इसका आदेश मैंने 16 अगस्त को मिनिस्टर सर्विसेज और मिनिस्टर विजिलेंस होने के नाते दिया और 21 अगस्त को दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस फैसले को मानने से मना कर दिया। आज एक अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी डिसाइड कर रही है कि ये शहर कैसे चलेगा, कि ये सरकार कैसे चलेगी, कि अब नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसकी बैठक के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया कि दिल्ली की जनता के काम ना रुकें, ये जानते हुए कि भी वो गैर कानूनी है वो अथॉरिटी, उसको चैलेंज किया हुआ है, लेकिन अब दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी ने ये इंश्योर कर लिया है कि नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी अब नहीं चल पाएगी क्योंकि उन्होंने आदेश मांगने से मना कर लिया। इससे क्या होगा? इससे दिल्ली की जनता के काम रुकेंगे, इससे दिल्ली की जनता के काम डिले होंगे, इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो वो सिर्फ दिल्ली की जनता को होगा, उनकी कामों में देरी होगी और काम रुकने शुरू होंगे। बिल्कुल, अगर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो चुनी हुई सरकार ने बनाया, अगर उस कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को, मीटिंग करने के तरीके को आज ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार नहीं है, आज मुख्य सचिव मानने को तैयार नहीं है और वो उसके रिस्पांस में 10 पेज की चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हम आदेश नहीं मानेंगे, तो फिर ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कैसे चले? और जैसा मैंने कहा, ये अभी शुरुआत है, आज चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी चिट्ठी लिख के भेजी है, लेकिन जब तक ये गैर संविधानिक कानून बना रहेगा तब तक दिल्ली में इस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेंगी, संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी। देखिए, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए था, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है और उसके अलग अलग विभाग हैं, क्योंकि उन सबके पास सर्विस मैटर्स आते हैं, उन सबके पास ट्रांसफर पोस्टिंग आती हैं, उन सबको स्टाफ की जरूरत पड़ती है, उनको पोस्ट क्रिएशन की जरूरत पड़ती है, तो ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया था कि जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों के अपने मंत्री हैं जो चुनी हुई सरकार का हिस्सा है। अभी जिस प्रकार से अथॉरिटी फंक्शन कर रही थी, चुनी हुई सरकार से बिना कंसल्टेशन किए सारे एजेंडा एनसीसीएसए के पास जा रहे थे, तो ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या कह रहा था? कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कह रहा था कि जो सर्विसेज से जुड़े मैटर हैं, कि किसी डिपार्टमेंट को स्टाफ चाहिए, किसी में कोई प्रमोशन होनी है, किसी में कोई रिक्रूटमेंट होनी है, किसी में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, तो वो चुनी हुई सरकार के सर्विसेज मंत्री के थ्रू होकर अथॉरिटी में जाए, कि जो विभाग हैं, जो अलग अलग मंत्री हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बनता है। दूसरा ये मैकेनिज्म क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि किसी भी विभाग में किसी अफसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना कि उन्होंने काम नहीं किया, कुछ भ्रष्टाचार हुआ, किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, समय से स्कूल नहीं बना, समय से अस्पताल नहीं बना, जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान होना है, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन मिनिस्टर विजिलेंस के थ्रू होकर उस अथॉरिटी के पास जाए। ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि चुनी हुई सरकार के बीच में, उसके अलग अलग विभागों के बीच में, उसके अलग अलग मंत्रियों के बीच में और अथॉरिटी के बीच में एक समन्वय बना रहे, क्योंकि आखिरकार विभाग तो अफसर ही चलाएंगे। अगर किसी विभाग को मान लीजिए स्टाफ की जरूरत है,
तो वो कैसे अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करेगी? वो अपने मंत्री और मिनिस्टर सर्विसेज के थ्रू अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करेगी, और इसीलिए एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये आदेश दिया गया। परंतु इस आदेश को दिल्ली के मुख्य सचिव ने मानने से इनकार कर दिया।